किया जाए। और मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। ओके आप तशरीफ रखे, आप हजरत तशरीफ रखे, आप हजरत तशरीफ रखे, मेहरबानी होगी, बैठ जाओ। हुज्जत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन शहंशाह खिताबत अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब मजलिस। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد طنب الحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما آپ اس سے بھی اچھی اور بلند بات پڑھ سکتے ہیں اللہم صل علی محمد تحت اللفظی ترجمہ اور محاوراتی اور ترجمانی والا ترجمہ کروں گا जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब वो अल्लाह जिसने हबीब आप पर किताब को नाजिल किया। अच्छा यही अगर आप मेरे साथ साथ चलें तो मैं यही कुछ तफसीर भी बयान होती रहे। वो अल्लाह जिसने हबीब आप पर कुरान को नाजिल किया यानी वो अल्लाह जिसने आप पर किताब को नाजिल किया तो किताब नबी पर नाजिल हुई है, बाद में किसी ने तरतीब नहीं दी। नबी पर किताब नाजिल हुई है और नबी ने किताब छोड़ी है हमारे पास कुरान का जो जखीरा है वो नबवी जखीरा है मेरे बच्चों जवानों मैं आपके अकीदे को मजबूत करना चाह रहा हूं। हमारे पास कुरान मजीद नबवी जखीरा है। अल्लाह के कलाम पर सिवाय मुस्तफा के किसी का तसर्रुफ नहीं है।
लिहाजा इरशाद हो रहा है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वो अल्लाह जिसने आप पर किताब को नाजिल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमात, जो किताब है उसमें कुछ आयात, मिन मिन बयानिया, मिन मिन तबलीजिया। मौलाना तशरीफ फरमा है, अपना सबक सुनाऊं इनसे दुआ लूं, अरबी अदब जानने वाले लोग तशरीफ फरमा है, उसमें से कुछ आयात, मिन हो आयातुन मुहकमात, उसमें से कुछ आयात यानी एक हिस्सा आयात का, आयात का एक हिस्सा किताब, अल्लाह कह रहा है यही जो आयात मुहकमात हैं यही असल किताब है, यानी इन आयात पर आप आयात को परखेंगे, इन्हीं आयात पर आप आयात को परखेंगे, यानी इन आयात के आईने में दूसरी आयतों को देखेंगे, जो चेहरा ये आयतें दिखाएं वही चेहरा सही है, यानी आयत का जो चेहरा ये दिखाए, ये वाली आयतें दिखाएं। मसलन यहीं पर बात हो जाए, यदुल्ला फौकायदेहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर जी, तो हाथ तो फिर कलाई भी मानो, फिर कोहनी भी मानो, फिर बाजू भी मानो, फिर टिकाने को बॉडी भी मानो, फिर खड़ा करने को पैर भी मानो, तो हाथ क्या माना, बुत तैयार हो गया हमें बुत परस्ती की तरफ, यानी अल्लाह का हाथ का क्या मतलब। अच्छा हाथ अल्लाह का मानेंगे तो हाथ में पांच उंगलियां होती हैं, अभी एक हाथ की पांच उंगलियां और 14 पोरवे समझ में नहीं आएंगे, दूसरा हाथ कैसे समझोगे, ये हाथ सीधा है या उल्टा है। सलावत पढ़े जा मोहम्मद व आलम, तो ये अल्लाह ने अपना हाथ जो बताया कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर, तो ये आयत मुतशाबिह आयत है। ये हमारे मुसलमानों के अकीदे जो हमें अल्लाह ने नाजिल किए कुरान में और नबी ने बताए, उन अकीदों से टकरा रही है ये आयत, तो ये आयत मुतशाबिह आयत है। अब इस आयत को एक और आयत के आईने में देखना होगा, वो आईना जो दिखाएगा वही होगा, वो क्या है, वो है आयत मोहकम, और वह आयत मोहकम क्या है, लैसा कम इसले ही शय, अल्लाह किसी की किसी शय के मिसल नहीं है, अल्लाह का कोई। फिर हमें ढूंढना होगा कि ये आयत क्या कह रही है, और बताएगा अल्लाह या इल्म में उतरे हुए। हमने बड़ा कारनामा किया तो ये कारनामा किया कि इल्म हमारे अंदर है, उनका काम यह है कि वो इल्म में है, और जो जिसमें रहने का आदि हो उसके बगैर उसका जी नहीं लगता। भाई जैसे अहले बैत का इल्म के बगैर जी नहीं लगता, हमारा अहले बैत के बगैर जी नहीं लगता। सलावात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप आमादा हैं तो मैं एक और अपने मुद्दा पर अपनी बात को मजबूत करूं जी। असमको फिल्मा, मछली पानी में, ये जो पानी में मछली का उन्वान है ना, पानी के बगैर मछली का उन्वान ही नहीं है। आप जरा बाहर निकाल के तो देखिए मछली रहेगी, यानी जैसे ही मछली को पानी से निकालेंगे ये मर जाएगी। जैसे अहले बैत बगैर इल्म के नहीं है, मौलाई बगैर अहले बैत के नहीं है। हमारा जीना मरना, हमारा सांस लेना, हमारी जिंदगी, ये बगैर अहले बैत के है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह हमें इसी जज्बे और इसी जज्बे, पताफी साहब में नश्त पार्क में भी और फिर उसके बाद बाबुल इल्म में भी, वो जो मजमा अल्हम्दुलिल्लाह चौथी पांचवीं मजलिस में हुआ करता था वो आज पहली मजलिस में है, यानी हर मजलिस में ऐसा ही है। मैं खुद ये तीसरी मजलिस पढ़ रहा हूं इस वक्त, और शख्सियात ने जो मजलिसें पढ़ी हैं वहां भी यही हालत है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, अंतर सलावत मोहम्मद व आलम। बात आगे बढ़े जी, आयात मुहकमात
इरफान भाई कल अंदर का साउंड अच्छा होगा तो मैं जोर नहीं लगाऊंगा। तो आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, वही असल किताब है। उखरो मुताशाबहात, और दूसरी किस्म आयात की मुताशाबहात। अब जब अल्लाह ने बता दिया कि एक मुहकम है और एक मुताशाबे है, यानी एक तरह की आयत दूसरी तरह की आयत की खिदमत में रहेगी। ये आयात मुहकमात जो मरीज दिल है, जो बीमार, जैसे इकबाल कहते हैं कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, ये वो लोग के जो अपनी पसंद की आयत ले लेते हैं, अपनी मर्जी की आयत ले लेते हैं और फिर उससे मतलब निकालते हैं। तो कुरान कह रहा है कि फयत्तबिउन मा तशाबह मिन, वो आयात मुतशाबहात की इत्तबा करते हैं। वमा यालम, इसका मतलब है जमीन पर नहीं है, ये आयत मुतशाबे है, यानी जहां अल्लाह को सिमत में महदूद कर दिया जाए तो वो आयत मुतशाबे आयत होगी, जिस जो सिमत में महदूद कर रही होगी। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की तरफ इशारा नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा वो इशारे में महदूद हो जाएगा, और जो महदूद हो जाएगा वो समझ नहीं रहेगा, और जो समझ नहीं रहेगा वो अल्लाह नहीं रहेगा। तो अगर अल्लाह भी समझना है तो अली के दरवाजे पे आना होगा, हाँ मौला से सुनना होगा, मौला से समझना होगा कि अल्लाह क्या है। अली के बगैर जो अल्लाह को लेगा नाराज तो नहीं है। अली मौला से हटकर कोई अल्लाह समझना चाहेगा तो हाथ पैरों वाला अल्लाह तो मिलेगा, समझ अल्लाह नहीं मिलेगा। समझ अल्लाह अगर मानना है और तलाश करना है और समझना है तो वो वही बताएगा जो अल्लाह को जानता है। आगे बढ़े बात, फामल्लदीन कुलूबहिम फयत्तबिउन मा तशाबह मिन, क्या क्यों ऐसा करते हैं भाई? जब आयात मुहकमात मौजूद हैं तो फिर मुतशाबहात की तरफ क्यों जाते हैं? तो फिर कुरान क्या कह रहा है? ये कौन लोग हैं जो मुहकमात को छोड़कर मुतशाबहात की तरफ जाते हैं? ये वो जिनके दिल टेढ़े हैं, जिनके दिलों में जंग लगा हुआ है। क्यों करते हैं ऐसा? इब्तगा अल फितना, इनका मतलब फितना है। हाँ कुरान के हाफिज होते हैं बहुत से, मैं कोई और अपनी तरफ ना ले जाए तो मैं सीधा कर लूं अपनी बात को। हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा हाफिज कुरान था यूसुफ, और उससे उसके बाद वाले खलीफाओं के नतीजा है, उसके बाद वाले बादशाहों का नतीजा है। मैं लफ्ज खलीफा बहुत मुबारक है, मैं बल्कि मुतवक्किल जो जुल्म और ज्यादती में अपनी मिसाल नहीं रखता था, वो ऐसा कारी कुरान और हाफिज कुरान था, खफा तो नहीं हो रहे आप? ऐसा कारी कुरान और हाफिज कुरान। अच्छा, मुझे नबी की एक हदीस ने मेरी ये उलझन दूर की। मैं कभी को भाई कुरान हाफिजा ने कुरान, बड़े पाक लोग हैं ये, किसी को बुरा नहीं कहते हाफिज कुरान हो जाते हैं, और ये किसी को बुरा कहते हैं इसलिए हाफिज कुरान नहीं होते। मैं बताता हूं कौन कौन हाफिज कुरान थे। लिहाजा नबी की एक हदीस, हाफिज कुरान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं खुद हाफिजाने कुरान, मेरे घर वाले। तो ये हिस करना तौफीक है या कुछ और मसला है? तो अब मुझे नबी की एक हदीस ने सहारा दिया। नबी फरमाते हैं रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलनहू, कितनी कारियाने कुरान है जिन पर खुद कुरान लाना करता। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले बाबा, वो कौन से कारियाने कुरान है भाई? कुरान पढ़ रहा हूं ना मैं आपके सामने, कुरान कह रहा है कि आया पढ़े और अपनी पसंद के कुरान, कुरान से अपनी पसंद के नतीजे निकाले, तो फिर वो वही है ना जिस पे कुरान लानत करेगा। मैं कौन सी नई बात कर रहा हूं? इल्लल्लाह। और तावील कुरान कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। आयत अल्लाह चाहता तो यही रोक देता, उसका उससे ज्यादा जानता है, और वो जानते हैं जो इल्म में उतरे हुए लोग। वो रासिखूना फिल इल्म कौन है? बस इन 10 दिनों में मैं इस पे मेहनत करने की कोशिश करूंगा कि कुरान और अहले बैत,
قرآن کے ساتھ اللہ نے کچھ راسخون فی العلم کو یاد کیا ہے، علم میں اترے ہوئے لوگ، علم میں تر لوگ، جن کی زندگی علم ہے، جن کی حیات کی علامت علم ہے، ان لوگوں کو یاد کریں گے۔ کرم ہو گیا ہمارے پر آج، آج ایک خاص کرم ہو گیا ہے، اور وہ خاص کرم یہ ہے کہ حسین نے ہمیں بلا لیا ہے۔ بچے اپنے بڑوں کو کھینچ کھینچ کے لائیں مجلس میں، ابا اماں مولانا بیٹھ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے، شاہراہ باہر کی ساری پر ہے، دور دور تک پارکنگ ہے۔ میں اس سے پہلے مجلس سے پڑھ کر آیا ہوں، ریکارڈ دیتے ہیں، ایک فارسی زبان شاعر کا ایک مصرع ہے کہ ان حسین کیست، یہ کون ہے حسین، ہمیں عالم دیوانہ ہے۔ ہر شخص امام حسین سے اپنی وابستگی کو، اپنے تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ سنی شیعہ کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ہندو مسلم کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے، اقدار کا ہے، تہذیب کا ہے، اخلاقیات کا ہے۔ یہ نام ہم سب کو جوڑ رہا ہے۔ میں نہیں چاہ رہا کہ ابھی آپ سے ہاتھ اٹھواؤں، اسی ہال کے اندر کتنے ہی لوگ نکل آئیں گے جو کہیں گے میں سننی ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہاتھ اٹھواؤں، میرے بھائی نے اٹھا دیا جی۔ شیعہ امام، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، شیعہ مولا حسین کی ذکر کے مالک نہیں۔ میرا ایک تکراری جملہ ہے، ذرا برداشت فرمائیں، شیعہ حسین مولا کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے توسط سے تمام پاکستان کے ذاکرین اور خطبا سے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں، اپنی زبان پر جاری نہ کریں جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو۔ اہل بیت کی عظمت کا بیان اتنا ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی اگر علی لفظ کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ وعلی وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ صرف سرکار کا نام جو ہے نا، اس پہ غور کروں، یہ پانچ حرفی ہے، صرف ان ناموں پر ہم غور کر لیں۔ مولا علی کا نام علی، مجھے توفیق ہوئی کہ پانچ مجلسیں میں نے پڑھی علی میں، کیا علی کوئی اور نام مولا علی کا کیوں نہیں رکھا گیا؟ لِأَنَّ عَلِيٌ مِنْ اسْمِهِ جَلَّ جَلَالُهُ، اللہ کے نام علی سے مشتق جو ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا، میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا پانچ آٹھ منٹ میرے ساتھ رہیں۔ لأن آل علی جمیع الخلق الہیہ، علی مخلوق الہی میں سب سے بڑے علی عالی تھے۔ لأن علی ظہر رسول اللہ، دوسری علت، علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی پشت پر سوار ہونے والے، آپ رسول، امام حسین نبی کی پشت پر سوار ہوئے، یہ تو امت کو ہم ہے نا، حسین سے افضل کو علی کہتے ہیں، نبی نے فرمایا آڑے ہوئے۔ بھئی تھوڑا گردن ہلاؤ گے تو میرا بھی جی چاہے گا کہ کچھ کہوں۔ سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں نا کسی کے دوش پر، توجہ چاہوں گا، جملہ بڑا محنت کا ہے اور میں ممبر سے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ جو علی کا وزن برداشت کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی کا وزن کون برداشت کرتا بھائی؟ یہ وہ نبی ہے، تھک رہے ہیں آپ، یہ وہ نبی ہے، ارضا ہو جائے۔ لہذا نبی مکرم کی سنگینی اتنی ہے کہ نبی کا کوئی بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، علی کا وزن اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ نبی اٹھا سکتے ہیں۔
अजीजान गिरामी, मैं आपकी तवज्जोहात को देख रहा हूं, मेरा दिल कह रहा है एक जुमला और कह दूं, ये सैयदा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? गर्दन हिलाओ भाई, बात जा रही है। तो ये सैयदा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? इसलिए कि वजन के मुकाबले में वजन आता था। शायर कहता है गरानी पल्ले इसमत में इतनी थी के देखा है, गरानी वजन गरानी पलीन मौलत। भाई बाहर वाले लोग मेरे साथ है ना जी। मौला मौला नबी ने पूछा अली कितने बुलंद हो? तो मुस्कुरा के फरमाया या रसूल अल्लाह दो हाथ के फासले पे अर्श है। मौला फरमाते तुम इस पे ताज्जुब कर रहे हो कि मैं उस जगह बैठ गया जहां नबी तशरीफ फरमा होते थे, मैं तो नबी के दोष पर भी बैठा हूं। अब क्योंकि दोषे नबी पर पुश्ते नबी पर मोहरे नबुवत लगी हुई थी, जनाबे मोहम्मद इस्माइल देवबंदी का जवाब। इस्माइल देवबंदी फरमाते हैं कि कुरान पे कुरान रख दो, नीचे वाले कुरान की तोहीन नहीं है। तो मैं बात कर रहा था जाकिन से और खुतबा से कि अभी तो मौला अली का नाम इसमें मुबारक अली ये मैं नहीं समझ पाया, तो आपके पास वो वक्त कहां से आ गया जो आप किसी और की दिल आजारी कर रहे हैं? आप तो मजबूत बात करें, अहले बैत की अजमत बयान करें, अहले बैत के फजाइल को बयान करें, उनकी सीरत तैयबा पर गौर करें। तो इसके लिए ही सारी आपका मेरा हमारा हक है, मगर अल्फाज अच्छे हों, लहजा अच्छा हो, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को चुट भरने के लिए नहीं, ये दूर हटाने की मजलिस नहीं है, करीब बुलाने की है। ऐसे ही है, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। शायर कहता है दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है दुश्मनी का नहीं, ये तो जोड़ने का वसीला है। लिहाजा हर साल मैं खुद 7 साल की उम्र से मजलिस पढ़ रहा हूं, 50 साल का हो जाऊंगा एक साल बाद, तो तकरीबन 40 साल से ज्यादा मेरी अपनी रियाजत हो गई है। हर साल मैं गुज़िश्ता साल से ज्यादा रौनक पाता हूं, गुज़िश्ता साल से आने वाला साल ज्यादा रौनक वाला होता है। ये हमारे बड़े बड़े इमाम बारगाह छोटे पड़ गए, वो इमाम बारगाह छोटे नहीं हुए, हुसैनियों में इजाफा हुआ है। और ये होना है, ये अनहोना नहीं, अनहोनी नहीं हो रही, ये होना है। बिलाखिर हम फितरतन हम मिजाज मुतासिर हो जाते हैं, खुल जाएगा कि कैसा कमाल था, ये सच्चा था, ये दिखावे का था, बनावट थी, ये तसन्नो था जी, रियाकारी थी दूर के, उसकी जात हो। हम तो उसके दरवाजे पर बुला रहे हैं। इन हस्तियों का कमाल सारा हाफजा चला गया, बड़ी बड़ी आयतें, पूरा पूरा कुरान याद था, सब भूल गए, सारी हदीसें भूल गए, मगर इस घराने का कमाल जाती है। अल्लाह ने जिन्हें अपने हाथों से सजा कर भेजा, हम तो उनकी तरफ बुलाना चाह रहे हैं ना लोगों को जी। लिहाजा इंतहाई एहतमाम की जरूरत है। पहली मुहर्रम है, चंद जुमले मुझसे बर्दाश्त कीजिएगा, सुनिएगा, हम उनकी तरफ लोगों को रागिब करना चाहते हैं और रागिब हो रहे हैं। मेरा काम हमारा, हम कोई अपने आप को, मुझे माफ कीजिएगा, कोई चौधरी नहीं समझे कि साहब हम होंगे तो कुछ होगा, हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं। मुझे और हुसैन अपने मुरीदों को खुद बुलाते हैं और सब आते हैं, लिहाजा ये मेहमान है मौला हुसैन के जिक्र के मेहमान। अजीजो इल्म पढ़ाया जाता है, फन सिखाया जाता है, मोहब्बत होती है।
थोड़ी तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इल्म मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। फन टेक्निकी और तरबियती इदारों में सिखाया जाता है। मोहब्बत होती है, ये जो मोहब्बत होती है इसको अगर मैं लफ्ज बदल के कहूं, मोहब्बत फितरी है। क्या दादा को कहीं पढ़कर आना पड़ता है कि पोते से मोहब्बत कैसे करें? मोहब्बत होती है, मोहब्बत उसकी जात में, जैसे ही पोता गोद में आया, जैसे ही दुनिया में आया, ये कोई कहीं से पढ़कर नहीं आया। बेटे और बाप का ताल्लुक, ये मोहब्बत है, कहीं से पढ़कर नहीं आए कि बाप को क्या करना है और बेटे को क्या करना है, ऐसे ही है। लेकिन अजीजों एक और मोहब्बत भी होती है, और वो मोहब्बत है दीन की बुनियाद पर, मोहब्बत अकीदे की बुनियाद का। जो मगर दोनों जोजाओं ने खयानत की, कुरान है भाई, है ताहताबदैन मिन इबादिन अस्सालिहैन फखानतहुमा, ये दोनों तलूत व मरातनू, कुरान की आयत। मोहब्बत थी मगर बेटा डूब गया, डूबे जाए उसे पहाड़ क्या बचाएगा? भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आलि मोहम्मद। तो क्या हुआ? पहाड़ पे चढ़ता रहा, पानी बढ़ता रहा, और कुरान की आयत है जलिन या सोमेनी मिनल मा, मुझे पहाड़ पानी से बचाएगा, और पानी चढ़ता रहा और पानी पहाड़ की बारिश कर रहा हूं। हर एक से दोस्ती मत कर, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है। नाराज हो गए, अब आपसे 10 बराबर ज्यादा बाहर हैं लोग, उनके एहसासात तो मैं देख ही नहीं रहा। जो दोस्तियां गुनाहों की बुनियाद पर होती हैं, यानी दोस्त दोस्त बने गुनाह की बुनियाद पर कि मिलकर ये गलत काम करेंगे, वो दोस्तियां दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। लिहाजा हर हाथ मिलाने वाला हर एक के साथ नहीं रहा करो। कभी क्या वाली ना थके में ना, हजरत लूत हजरत नूह की जौजाओं से मोहब्बत थी मगर काम नहीं आई। क्यों? इसलिए कि उन दोनों का अकीदा एक नहीं था। हजरत नूह और उनके बेटे की मोहब्बत काम नहीं आई क्योंकि दोनों का अकीदा एक नहीं था। अबू तालिब, हजरत अबू तालिब मुसलमान, अगर नबी, अगर मुसलमान हजरत अबू तालिब का कलमा ढूंढ रहे ना तो उन्हें ढूंढने दो जी। हमारे तो मिजाज में नहीं है कि हम किसी और का कलमा ढूंढे। कलमा अबू तालिब को ढूंढता है। ऐलान नबूवत ही नहीं होता जब तक अबू तालिब ना कहे। जब हजरत अबू तालिब ने कहा ना कुम या सैयदी व मौलाई, खड़े हो जाओ है मेरे मौला है मेरे सैयद, बड़ा जिगर चाहिए अपनी औलाद को अपना मौला बोलने के लिए। जी नबी को जो तुम चाहते हो। और फिर सरकार दो जहां ने ऐलान नबूवत किया, ये हजरत अबू तालिब के कहने पर किया। लिहाजा हजरत अबू तालिब तो मोहब्बत भी हो तो अहले बैत से हो तो कोई ये रास्ता बंद नहीं कर सकता। खामखा खर्चा मत करो, जाया जाएगा। मैं उनसे कह रहा हूं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैसा जाया गया उन लोगों का जिन्होंने इस रास्ते में रुकावटें डालकर बड़े बड़े खर्चे किए हैं। जी थोड़ा बहुत पंजाब में पैसा काम आया, वहां भी अब जाया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तालम उतरवा नहीं पाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां तो ये हुस्न है ही कुछ और, तो अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में ये खुशबू फैलती रहे। तो मोहब्बत को रोका नहीं जा सकता। हम सब इस वक्त एक मुश्तरका कैफियत में हैं, हम सब मोहब्बत हुसैन में हैं, ऐसा ही है। कहने लगे कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथ से अपने आप को हलाकत, जब तुम मातम करते हो, जब तुम मजमे में जाते हो तो तुम कहीं नुकसान उठा सकते हो। तो कुरान कह रहा है कि अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो। तो भाई ये सारा खर्च, तवज्जो, कुछ ऐसे पहले एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, नाम नहीं लेता क्योंकि आपका जहन भी वहां, तो थे का दौरानिया भी था। तो एक डॉक्टर साहब माशाल्लाह मुतशर्रे थे,
वो खड़े हुए और उन्होंने आवाज सवालात के दौरानिए में उन्होंने आवाज देकर कहा कि आपसे सवाल यह है कि आप लोग मातम क्यों करते हैं। तो इसलिए कि कुरान मजीद में तो आयत है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपका शोबा कौन सा है, स्पेशलिस्ट हैं या आप जनरल फिजिशियन हैं, आपका शोबा क्या है? कहने लगे मैं सर्जन हूं। मैंने कहा मेरी मुश्किल आसान हो गई, आप सर्जन हैं मेरी मुश्किल आसान हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने आप को हलाकत में अपने हाथ से नहीं डाल सकता, ये तो कुरान ने मना किया है, आपको किसने इजाजत दी जो मेरा सीना चीरते हैं आप? यानी मैं तो अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकता, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की चीज है, अल्लाह की अमानत में हम दखालत नहीं दे सकते, तो फिर आप मेरे बदन को कैसे चीर पहाड़ देते हैं? तो आपका जवाब जो आएगा वो मैं बता देता हूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो जवाब देंगे वो मैं बता देता हूं, आप जवाब ये देंगे कि बड़े मसलहत की खातिर ऐसा करते हैं। मसलहत अगर बड़ी हो, मसलहत अगर संगीन हो, आपकी जान बचाना है तो जान बचाने के लिए छोटी तकलीफ देते हैं, तो मेरा बदन बचाने के लिए मेरे बदन को तकलीफ दी जाए ताकि मेरा बदन बच जाए, और अगर पूरा समाज बचाना हो है? अगर पूरा माहौल बचाना हो, पूरा आलम इस्लाम बचाना हो, सारे मुसलमानों को हुसैन तक लाना हो, हुसैन तक लाना मेरिट तक पहुंचाना है। ये जुमला फिर मैं तकरारी कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कहीं सुनना लिया हो, हर जगह एक ही आवाज है कि मेरिट पे तकरारियां होनी चाहिए, मेरिट पे दाखले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं कि मेरिट पे मानना चाहिए, मगर अली अली है कि जान नहीं जाएगी, मातद भी है। तो मकसद की खातिर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, थक नहीं रहे मेरे भाई, मसलहत संगीन हो तो फिर मफसदा को कबूल किया जाता है, नुकसान को कबूल किया जाता है अगर मसलहत ज्यादा हो, और अगर मसलहत कम हो और मफसदा फसाद ज्यादा हो तो फिर हद को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मसलहत मसलन 40% है और मफसदा 60% है। इसको उल्टा कर लीजिए, अगर मसलहत 60% हो जाए और मफसदा 40% हो जाए तो फिर मसलहत को ले लिया जाता है और नुकसान को छोड़ दिया जाता है। इंसान है भाई, तकलीफ होती है जी, पैरों में छाले पड़ते हैं जी, जिस्म पर दाने निकल आते हैं, मातम के निशान आ जाते हैं, पैसा भी खर्च होता है, थकावट भी होती है, कोई ना कोई तकलीफ भी हो जाती है जो बाद में कोई डॉक्टर को दिखाना भी पड़ता है, मगर ये सब मफसदे हैं। को तकलीफ हो रही है, फलां को ये तकलीफ हो रही है, ये मफसदा है यानी नुकसान है। और मसलहत क्या है? मसलहत यह है कि हुसैन की तरफ तवज्जो दिलानी है। भाई थके नहीं बैठे तो दलील दे रहा हूं, हम सब दीन इब्राहिमी पर नहीं अहमदी पर अमल करते हैं, शरीयत मुहम्मदी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बच्चा बच जाए तो उम्मत ईद बनाए, और मोहम्मद का घराना मारा जाए तो उम्मत गम कैसे ना मनाए। जिस शरीयत में हजरत इब्राहिम के बच्चे के मरने पर ईद बचने पर ईद मनाई जाती हो, उस शरीयत में मुस्तफा के बच्चों के शहीद हो जाने पे गम कैसे ना मनाया जाए? कायदा यही है ना, और नबी के बच्चे मार दिए गए तो क्या होगा? क्या होगा फिर? गम मनाया जाएगा ना, गम ही तो मनाया जाएगा, और क्या मनाया जाएगा? कयास औलवियत की बुनियाद पर अगर कहा जा रहा है मां बाप को उफ़ ना करो तो मारना तो बड़ा गुनाह है ना जी, मां बाप को उफ़ ना कहो तो मां बाप को मारना तो बड़ा गुनाह होगा ना, उफ़ कहना जब जायज नहीं है तो मारना कैसे जायज है? उसके बारे में तो बात ही नहीं होगी ना फिर, कि मारने पर कोई बात आई, कोई आयत आई, कहां आयत आई? उफ़ पर आई है, मारने पर नहीं आई। अरे भाई मारने पर जब हराम, मारना उफ़ कहना जब हराम कह दिया गया तो मारना तो बदर जवाल हराम है।
एक बच्चा बच जाए तो उम्मत जश्न मनाए, और यहां 18 बच्चे ज़िबह हो जाएं, अजीजों वक्त तंग हो गया, कल बात आगे बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मोहम्मद अली इंजीनियर ने, मौलाना इसहाक मदनी ने, मौलाना ताए, जो चीज बिदत कहकर याद की जाती थी अब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत कहकर याद की जाती है। फिर मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरी जान, मेरे सुन्नी भाइयों, ये जो रोना है ना, ये इख्तियारी नहीं है, नर्म होगा। जिसका जितना दिल नर्म होगा इतना ही उसको आंसू आएंगे। नबी की हदीस सुना दूं क्या? नबी फरमाते हैं अलामातु शिका अरबातुन, शकावत अभी ने चार चीजें बताई हैं कि ये सुनाया है मैंने। अब मैं जितना मुझे आपको समझना है इतना मुझे भी समझना है। दिल सख्त ये बच्चे, ये खवातीन जल्दी क्यों रोते हैं? इसलिए इनका दिल नर्म होता है, और जो जितना बड़ा इंसान होगा ना उसका इतना ही बड़ा दिल, इतना ही दिल नर्म होगा। इसलिए करबला के मैदान में हुसैन अजरुकम अल्लाह, मेरे मौला ने 92 लाशें उठाए, 92 लाशें, 92 92 लाशें जी जी, और किसी लाशें पर भी किसी को इजाजत नहीं दी कि वो लाशा उठाए, बल्कि सारे लाशें 56 साल की उम्र है इमाम हुसैन की करबला में, लेकिन चार लाशों पर हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, आंसू आंखों में जरियान की कैफियत थी, यानी मुसलसल आंसू बह रहे थे, मुसलसल हुसैन के आंसू बह रहे थे। वो चार लाशें थे जिनमें एक लाशा कासिम का लाशा, हजरत कासिम का लाशा। बहुत रोए हुसैन अजरुकम अल्लाह। जो जहां बैठा है अपनी आवाजों को आजाद करेगा, जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोए। एक लाशा जिस पर इमाम हुसैन के आंखों से आंसू नहीं रुकते थे वो हजरत कासिम का लाशा, दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए वो हजरत अब्बास का लाशा, सुनेंगे वो हजरत अली अकबर का लाशा, और चौथा लाशा छोटा बहुत था मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था, कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिजन बेकजाए ही व तस्लीमन ले अमरे अजरुकम अल्लाह अजरुकम अल्लाह। मेरा मोहतरम मजमा आमादा हो गया गिरिया करने के लिए। अज़ादारो आज पहली मुहर्रम है, पहली मुहर्रम इमाम हुसैन सफर में है, अभी करबला पहुंचे नहीं है। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे हैं, सन 61 हिजरी मुहर्रम से साल का आगाज हुआ, 2 मुहर्रम को, 61 हिजरी के 2 मुहर्रम को करबला में हुसैन मौला पहुंचे, पहली मुहर्रम को सफर में। हुसैन से बैत ले लो, वलीद इब्न उकबा गवर्नर मदीना मामूर है यजीद की तरफ से कि हुसैन से बैत ले लो, खत भेजा कि मुझे इस खत पे अमल करवाना है। इमाम रात की तारीकी में तय पाया कि हम मुलाकात के लिए आएंगे, हजरत फरमाया मैं रात को इतने वक्त में तुम्हारे पास मिलने आऊंगा। मौला के साथ 36 बनी हाशिम के जवान हैं जो हुसैन मौला के गिर्द हल्का बांध के चल रहे हैं, उन सब के सालार को अब्बास कहते हैं। गए हैं दरबार के अंदर तो दरवाजे पर रोक दिया, अब्बास और मेरे साथियों तुम्हें नहीं बुलाया, मुझसे इन्हें गरज है, मैं दरबार में जा रहा हूं, और अगर मेरी आवाज ऊंची हो जाए यानी कोई मुझे तकलीफ पहुंचाए तो फिर समझ लेना कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, और फिर तुम्हें इजाजत है कि तुम दरबार में आ जाओ। जब इमाम के हाथों पे वो खत रखा गया कि ये खत पढ़िए, हजरत ने खत पढ़ा तो उसमें यजीद ने लिखा था अपने गवर्नर मदीना को कि हुसैन से बैत ले लो मेरी बैत, और हुसैन बैत ना करें तो सर काट के भेज दो। इमाम ने उसे लपेटा, दोबारा उसके हाथ पे रखा और फरमाया रात हो रही है, कल सूरज निकलने दो, सारे मदीने को बुलाओ, सारा शहर जमा करो, और सब शहर वालों के सामने मुझे खत दो, और सबके सामने मुझसे सवाल बैत करो।
मैं वहां जवाब दूंगा, क्या हिकमत है हुसैन की? ये कहकर इमाम मुड़े, जवाब तो हो गया ना, जवाब दे दिया, ये कह के मुड़े। जैसे मुड़े तो मरवान ने वलीद से कहा, अगर आज हुसैन चले गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे, लिहाजा या बैत ले लो या सर ले लो। इमाम के कान में यह आवाज आई तो मुड़े, इमाम मुड़े, और इमाम ने मुड़कर देखा और कहा, अतक्तुलनी अंता अम होवा यबन जरखा, ए बदकिरदार औरत की औलाद, तू मुझे मारेगा या तू मारेगा, तुम में से तय करो कौन मुझे मारेगा। अभी इमाम हुसैन ने जुमला कहा था कि दरबार का दरवाजा खुला, मौला हुसैन ने तलवार के दस्ते पे हाथ रखा, तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और फरमाया, अब्बास, अजीब जुमला है, अब्बास ये मदीना है करबला नहीं है। दरवाजा बजा, कनीज दरवाजे पर आई, बीबी जैनब की कनीज, तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या मंजर देखा कि 36 जवानों के हलके में हुसैन है। इसके हाथ पैर फूलने लगे, दौड़ती भी अंदर गई, आवाजें देने लगी, आकाजादी जैनब, ऐ मेरी मखदूबा जैनब, हुसैन आए। हुसैन रात की तारीकी, शब गुजर चुकी, आगे बढ़कर कहा, भाई आप मुझे बुला लेते, रात की तारीकी में आने का क्या मकसद है? फरमाया, जैनब तैयारी करो, हम मदीना छोड़ रहे हैं, अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। दूसरा दिन हुआ, अजरोकमल अल्लाह, अजरोकमल अल्लाह, दूसरा दिन हुआ, एक रावी है अब्दुल्ला इब्ने अतिया, उसका नाम लिखा है, वो कहता है, मैं मदीने के एक देहात का रहने वाला, मदीने के अतराफ में जो गांव और देहात थे, मैं वहां का रहने वाला, मुझे खबर पहुंची कि हुसैन आज मदीना छोड़ रहे, तो मैं अपने गांव से निकलकर, अजरकमल अल्लाह, मैं अपने देहात से निकलकर शहर आ गया और महला बनी हाशिम पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर ऊंट ऊंटनिया दरमियान बैठे हुए। कहता है कि मैं दूर खड़ा यह मंजर देख रहा था कि ऐलान हुआ, आवाज दी गई कि सवारियां तैयार हैं, तो फिर सवारियों को लाइन से लगाना शुरू किया। कहता है कि अभी सवारियों को, महमिलों को लाइन से खड़ा किया गया था, बिठाया गया था, कि अचानक बैतुश शरफ का दरवाजा खुला और हुसैन की हवेली से रौनक बढ़ रही थी, और ऐसा लगता था जैसे कोई चांद है जो जमीन पर चल रहा हो। मगर कहता है, एकदम मेरी निगाह गई, जो मैंने निगाह झुकाई कि उस जवान के पीछे एक बीबी है, वो बीबी उसके पीछे पीछे चल रही है। उसने आगे बढ़कर उस बीबी को महमिल में सवार किया, उस ऊंटनी को उठाया गया, वो ऊंटनी सवारी आगे बढ़ाई गई, फिर एक और सवारी लाके बिठाई गई, फिर बैतुश शरफ से एक जवान निकला जिसका जलाल ऐसा था कि मैं मजबूर हो गया। खड़े हुए शख्स से मैंने पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कहा, मैं दूर हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है। कहा, ये अली अकबर है। उनके पीछे भी एक बीबी थी जिन्हें उन्होंने सवार करवाया। वो कहता है कि फिर आखिर में एक जवान बाहर आया जो कवि हैकल था, जिसका बदन सबसे ऊंचा था, जिसका बदन बड़ा मजबूत था, उसके पीछे दो बीबियां थी। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, जोर से दे इजाफा करे। और दूसरी बीबी उम्मे कुलसूम, अली की छोटी बेटी है, अली मौला की छोटी बेटी जनाबे उम्मे कुलसूम है। ये दोनों बीबियों को इमाम, ये दोनों बीबियों को हजरत अब्बास ने सवार किया। जुमला सुनेंगे जो मैं मक्तल में पढ़कर आया हूं, अत्तरीक इला मिंबर अल हुसैन के अंदर ये मैंने मंजर पढ़ा है कि जब जनाबे जैनब ऊंट पर बैठने लगी ना, तो जनाबे अब्बास ने अपना घुटना टेक दिया, हजरत जैनब से फरमाया, मेरे जानू पर पैर, किस शान से सवार किया है, अल्लाह आपको शाम ले जाए, अल्लाह आपको जनाबे जैनब की ज्यारत बार बार, सलाम हो उस बीबी पर जो 11 मुहर्रम को बेकजावा ऊंट पर बिठाई जा रही थी। अब्बास, तुमने मुझे मदीने में सवार किया था, उठो, जैनब को कोई सवार करवाने वाला नहीं। अजरकमल अल्लाह, अजरकमल अल्लाह, अजादारों अजादारों, मजलिस हो गई, आपने गिरिया कर लिया, मगर मुझे 5 मिनट की और इजाजत दे दीजिए। जैसे ही सवारी, एक मर्तबा सारे जवान अपने अपने घोड़ों पर बैठे, इधर हुसैन बैठे, उधर बिला फासला सब बैठ गए,
सब बैठ गए मगर अब्बास नहीं बैठे। जब तक शहर से बाहर काफिला नहीं जाएगा अब्बास पैदल चलेंगे। अजीब इंतजाम है हजरत अब्बास में अहले बैत के हमें रोने रुलाने वालों में करार दें। जनाब ज़ैनब ने महमिल से पर्दा हटाया और इमाम हुसैन का घोड़ा बीबी ज़ैनब की महमिल के साथ चलता था, यानी जो सवारी बीबी की थी उसके साथ जो घोड़ा। क्या कहा वो बाद में रावी बताएगा, क्योंकि इमाम हुसैन ने जो अमल जाकर अंजाम दिया है वो क्या कहा। बीबी की आवाज आई, ए भाई हुसैन, ए भाई हुसैन, फातिमा सुगरा याद कर रही है आपको, हमारी बेटी फातिमा याद कर रही है। इन्नहा अलीलतुन जी, किताब में लिखा हुआ है कि बीबी बीमार थी जिनकी वजह से इमाम हुसैन साथ नहीं ले जा रहे। इमाम घोड़े से उतरे और बैतुल शरफ में गए, जनाबे फातिमा सुगरा को गले लगाया। आयतुल्ला नजरी मुनफरिद ने भी, मैंने खुद अपनी कानों से उनसे सुना कि इमाम हुसैन एक बेटी को छोड़कर गए थे। इमाम हुसैन अपनी एक बेटी को मदीना में छोड़कर गए थे। और इस किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि क्योंकि जनाबे फातिमा सुगरा, उसका नाम फातिमा था और वो बीमार थी, बुखार में थी, इसलिए इमाम हुसैन ने फरमाया तुम घर में रहो। अब मैं, बहने भी हैं मजलिस में, बेटियां भी हैं मजलिस में, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, बाप भी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं कि फातिमा सुगरा मुझे याद कर रही है। सारी बेटियों को तो ले जा रहे हैं, एक बेटी को छोड़ के जा रहे हैं, तीन मोहम्मद बीबियों को छोड़कर जा रहे हैं। इमाम हुसैन, इमाम दोबारा घर में आए और अपने गले से लगाकर अपनी बेटी को बहुत देर रोए। सुनेंगे सुनेंगे, थके नहीं। जब इमाम हुसैन गले से लगाकर अपनी बेटी को रो रहे थे ना, तो आहिस्ता से उन्होंने कहा बाबा मुझे भी साथ ले चलिए। अब क्या मसले थे इमाम हुसैन की, इमाम ने एक मरतबा क्या देखा कि उनके अकम में तीन मोहम्मद बीबियां खड़ी हैं। इमाम हुसैन की हवेली की, खानदान की तीन बीबियां खड़ी हैं, एक जनाब उम्मे सलमा है, उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक जनाब उम्मे हानी है, इमाम हुसैन की फूफी मौला अली की बहन हजरत अबू तालिब की बेटी, और तीसरी बीबी जो बुजुर्ग खातून है वह है उम्मुल बनीन हजरत अब्बास की मादर गिरामी। आगे बढ़ के पहले नानी से कहा, नानी आपने मुझे याद किया, कोई हुक्म है मेरे लिए? तो जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया कोई हुक्म है मेरे लिए, तो बीबी ने अपनी चादर में से एक शीशी निकाली और शीशी निकाल कर कहा, हुसैन ये शीशी में खाक तुम्हारी तुम्हारे नाना ने दी थी, तैन मारा गया। हुसैन मुझे लगता यह है कि तुम इस सफर में मार दिए जाओगे। तो इमाम ने फरमाया अम्मा मैं वापस मदीना नहीं आऊंगा, मैं इस सफर में मार दिया जाऊंगा। तो सख्त जुमला है जो मैं कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे आप इसको महसूस कर पाए। जब इमाम हुसैन ने फरमाया ना अम्मा मैं इस सफर में मार दिया जाऊंगा, तो दो कदम आगे बढ़ी और आहिस्ता से कहने लगी फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। फरमाया अम्मा ज़ैनब के बगैर मेरी कुर्बानी नहीं है। अज़रकमल अल्लाह, जनाबे उम्मे हानी से बढ़कर कहा मां आपने मुझे याद किया है, कुछ कहता है कहना चाहती हैं? बीबी उम्मे हानी फूफी इमाम हुसैन की फरमाती हैं, हुसैन हमारी हवेली में जन्नातनियां रहती हैं, हमारी हवेली में जन्नातनियां रहती हैं, जब हमारे यहां कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो ये रोती हैं, ये कल रात से रो रही हैं। फरमाया अम्मा ये मेरा मर्जिया पढ़ रही है, अम्मा ये मेरा लोहा पढ़ रही है। हजरत उम्मुल बनीन से आगे बढ़कर सलाम किया, अम्मा आपने याद किया? फरमाया हुसैन मेरे मौला है, मेरे आकाजादे, आपके बाबा ने मुझसे अक्द इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे एक शुजा बेटा दे दे जो करबला में आपके काम आए। अल्लाह ने मुझे चार बेटे दिए, मैं बेटों की मां हूं, मगर सोचती हूं कहीं अब्बास वफादारी में कोताही ना कर जाए। तो जैसे ये जुमला सुना ना, तो अकम में हजरत अब्बास खड़े थे, इमाम मुड़े और आवाज देकर कहा अब्बास करीब आओ।
फरमाया अपनी माँ को यकीन दिलाओ तुम कितने वफादार हो। तो हजरत अब्बास आगे बढ़ के फरमाते हैं मगर 70 मरतबा मारा गया और फिर जिंदा किया गया, फिर भी हुसैन को छोड़ के नहीं जाऊं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, बहुत गिर गया हो गया। बशीर इब्ने जज़लम कहता है, बशीर इब्ने जज़लम कहता है कि जब मैं मदीने में खबर लेकर आया ना कि हुसैन करबला में मारे गए, उन्होंने काला आलम हाथ में उठाया हुआ था और मदीने में आवाज देते थे या अहला यसरब, या अहला यसरब, ए अहले यसरब, अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। तो कहता है जब मैं बनी हाशिम के महल्ले से गुजरा ना तो जैसे ही मैंने आवाज दी कि ए मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं है, तो एक दरवाजा खुला, एक कवि हैकल बीवी बाहर आई, एक लंबे कद वाली खातून, एक दराज कद वाली ताजा फरबा बदन वाली एक खातून बाहर आई जिसके कांधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उन्होंने असा हाथ में लिया हुआ था और मेरे करीब आके कहती हैं हुसैन का हाल बताओ। तो मैंने कहा बीबी आप कौन है? कहा मैं उम्मुल बनीन हूं, मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन हूं। तो कहने लगे बीबी फिर मैं आपके बच्चों का हाल बताऊं ना, आप अपने जाफर का हाल मुझसे पूछिए। तो फरमाया नहीं हुसैन का हाल बताओ, आप अपने ओन का हाल पूछिए कि हुसैन का हाल बताओ। फिर कहा आप अपने अब्बास का हाल पूछिए, आपके अब्बास का हाल बताऊं? कहा नहीं 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 मुझे हुसैन का हाल बताओ। कहा हुसैन मारे गए। जैसे ही बशीर ने कहा ना, बस आखिरी जुमले मेरी आज की तकरीर के आखिरी जुमले, जैसे ही बशीर ने कहा ना कि हुसैन मारे गए तो जमीन पर जोर से पैर मारा और कहने लगे अब्बास कहा था, अब्बास कहा था, अब्बास मारा जा चुका था। अल्लाह लानतुल्लाह अला अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन फसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इल्तमास कर रहा हूँ जनाब इरफान महदी के वालदेन मरहूमीन मरहूमैन सैयद मज़हर हुसैन ज़ैदी, सैयद इब्न सैयद ज़फ़र हुसैन ज़ैदी, मुमताज़ फ़ातिमा मौलाना शमसुल हसन ज़ैदी, सैयद अबरार हुसैन काज़मी इब्न सैयद साजिद हुसैन काज़मी, हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन शहदाए मिल्लत, सूरह फातिहा। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكبر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.